हाय गाइस, वेलकम टू जयास फूड पैलेस। आज मैं और एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ और वो है गाजर का हलवा। ये एक स्वीट इंडियन डिश है जो सभी को पसंद है। गाजर हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ 500 ग्राम्स गाजर लिया है, ग्रेट करके रखा है। ड्राई नट्स, आलमंड और कैशू नट्स लिया है। 4 टेबलस्पून घी, इलायची, 1 बाउल मिल्क और 150 ml कंडेंस्ड मिल्क। अब मैंने एक पैन लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून घी डालना है और इसे 1-2 मिनट के लिए गरम होने के लिए छोड़ना है। ये गरम होने के बाद हमें इसमें ग्रेटेड कैरेट डालना है। ये 500 ग्राम्स ग्रेटेड कैरेट है और इसे 1-2 मिनट के लिए हमें इसी तरह से फ्राई करना है, सौते करना है। अब 2-3 मिनट हो गया है। अब हम इसमें 1 बाउल मिल्क डालेंगे और इसे पकाएंगे थोड़ी देर के, 5-10 मिनट्स। इसे हमें लिड क्लोज करके इसे पकाना है और बीच बीच में इसे स्टर भी करना है। अब मैंने लिड क्लोज कर दिया है। अब हमें इसे 1-10 मिनट के लिए पकाना है, बीच बीच में देखना है। अब 10 मिनट्स हो गया है, आप देख सकते हो ये पूरा मिल्क इवेपोरेट हो गया है। तो अब हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। मैंने यहाँ 150 ml कंडेंस्ड मिल्क डाला है और इसे अच्छी तरह से पकाना है और 5 मिनट्स हमें इसे कुक करना है। अब ये ऑलमोस्ट बन गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें घी डालेंगे 2 टेबलस्पून और इलायची का पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट्स भी डालना है। स्वीट्स में अगर ड्राई फ्रूट्स है तो खाने में मजा आता है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और 1-2 मिनट के लिए इसे इसी तरह से मिक्स करना है। अब ये रेडी हो गया है। अब ये गाजर हलवा सर्व करने के लिए रेडी है। मैं इसे थोड़ा घी से गार्निश करूंगी और थोड़ा ड्राई नट्स डालूंगी। आप भी इसे जरूर एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन प्रेस करना न भूलिए। ये बिल्कुल फ्री है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।